वेलकम बैक गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में यार हम फिर से आ चुके हैं रेंट सिमुलेटर खेलने। लास्ट वाली वीडियो में यार आपने देखा होगा, हमने यार अपना फार्म हाउस तैयार किया था यार। कितना मस्त ये बन चुका है, काफ़ी सारा पैसा हमने यार खर्च किया इसमें और एक शानदार सा लग्जरी फार्म हाउस बनाया। मैंने लास्ट वाली वीडियो में यार इंटीरियर टूर भी दिया था, बढ़िया वीडियो चेकआउट करना। हाँ गाइज, तो यार फार्म हाउस बनाने से अपना यार काफ़ी तगड़ा खर्च हो गया है, तो अब मुझे यार अर्निंग करना डबल। उसके लिए यार आपने काफ़ी सारा हमने अरेंजमेंट कर रखा है। यहाँ पे यार हम लोग अब सॉसेज बना के भी सेल कर सकते हैं, जिससे हमारा डबल प्रॉफिट होगा। ये जैसे किचन है, यहाँ पे हम लोग अपना पूरा सेटअप बिठा लेंगे और ये रहा स्टोर रूम, यहाँ पे स्टोर करेंगे और फिर ले जाके सेल करेंगे, जिससे यार अपना बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। जितना हम अर्न करते हैं उससे डबल अर्न करेंगे। ये सब तो खाली पड़ा है, ये सब कुछ थे जो सेल करा था मैंने लास्ट टाइम। अभी यार दो दिन को हटाते हैं यार, इधर के जितने हैं ना इन्हें हटाते हैं और चलते हैं सॉसेजेस बनाने। उसके बाद बाकी सब का ही बनाएंगे, पहले दो तीन का करते हैं क्लियर। ओके लेट्स गो। अरे अरे एम करा, एक को शूट करा, एक और शूट करता हूँ, एक इसे करता हूँ, दो डन, दो को मैंने शूट कर दिया है। अभी के लिए दो रखते हैं, फिर मैं और लेकर आऊँगा। और यार लास्ट से लास्ट वीडियो में, दो तीन वीडियो पहले ही हमें यार पूरा सेटअप का सामान खरीद कर लाया सॉसेजेस बनाने के लिए, तो यार उसका जरूरत तो पड़ने नहीं वाला। इधर भागते हुए कहाँ रहा है, बंद कर इसे, क्लोज करता हूँ और हाँ इसे कलेक्ट करते हैं जल्दी से। लेट्स गो गाइस, तो मैंने यार एक पूरा भर के इसमें यार कलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं जो सॉसेज बनाने के लिए। डायरेक्ट सेल करते थे हम तो यार कम प्रॉफिट होता था, अभी देखते हैं यार कितना प्रॉफिट होता है। इस बॉक्स को यहाँ रखता हूँ, मैं सारे आइटम्स लेकर आता हूँ जिससे जिससे यार हमें बनाने का काम आएगा। हाँ ये सारे बॉक्स, हाँ ये सारे बॉक्सेज जो मैं लेकर आया था ये सारे यार उसी के काम के लिए। पहले ले जाके एक बार रखते हैं इसे यहाँ पे, बाकियों को भी लेकर आता हूँ, उसके बाद एक बार सेटअप करेंगे। जैसे ये देखो यहाँ का, ये इसे यहाँ पे रखते हैं बर्नर को, बाकी सारा उस साइड पे कर लेंगे। बाकियों को मैं लेकर आता हूँ फटाफट से और यार आज तो यार काम करेंगे, मज़ा आ जाएगा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। और कल यार सेल करेंगे सबको और देखेंगे यार कितना प्रॉफिट हो पाता है अपना। आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करना वीडियो को, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, देखना यार कैसा मज़ा आता है यानी आप लोग कमेंट्स में बताना, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। शाम होने वाली है, मेरा मतलब रात होने वाली है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अब यार हमारे पास अपना एक अपना फार्म हाउस है, तो फार्म हाउस है तो यहाँ तो सब कुछ है यार। ये देखो एक लाइट यहाँ है, इसे क्लोज करो आराम से भाई, अपना हम यहाँ रात में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसे भी ऑन कर दिया, एक इधर यार बहुत तगड़ी लाइट है, ये देखो। हाँ गाइस, तो मैं एक काम करता हूँ, सो के आते हैं फटाफट से और कल सुबह उठ के यार ये पूरा काम कंप्लीट करेंगे। अपने यार ऊपर बेडरूम है, फटाफट से सो जाते हैं, इधर भी है, इधर बड़ा वाला, इसी में चलते सो जाते हैं जल्दी से। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सोकर उठ चुका हूँ, आज यार अपना बहुत सारा काम है। इसे इधर रखते हैं खुले में, ज़्यादा यार कंजेस्टेड होगा तो और प्रॉब्लम होगा हमें, ऐसे रखते हैं खुले में। इसे भी सोच रहा हूँ मैं इधर ही कहीं रख देता हूँ यार, जितना खुले में रहेगा उतना अच्छा रहेगा भाई, फटाफट काम होगा। चलो ये दोनों को मैंने यहाँ पे नीचे रख दिया है, इसे यहाँ पे लगा दो। इसमें से एक पिकअप करता हूँ और इसमें पुट इन करता हूँ, लेट्स गो। ई टू टर्न ऑन, लेट्स गो गाइस, ये अपना स्टार्ट हो चुका है, ये 100% होगा उसके बाद। या लेट्स गो, उसका इसे उठा के इसमें प्लेस करना है, ई टू टर्न ऑन। ओके मैंने इसे टर्न ऑन कर दिया है, इसे यहाँ प्लेस कर दिया। अभी देखो यार क्या बन के निकलता है, ये देखना है। ओके ये कुछ तो निकला, उसका शायद इसके इसमें वाटर में करना है। ओके मुझे बर्नर खरीदने का जरूरत नहीं था, इसी पे हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं एक बकेट लेकर आ चुका, इसमें पानी निकाल लेता हूँ, उसमें शायद फिलअप करना होगा। इसे उठा लिया मैंने और इसमें अभी नहीं कर सकते, इसे नीचे रखो, पानी उठाओ, ई टू ऐड वाटर, लेट्स गो। वाटर ऐड कर दिया मैंने, अब शायद ये चला जाएगा इसमें। ओके ई टू ऐड, अब इसे ऑन, ई टू स्टार्ट कुकिंग, लेट्स गो। यार ये कुकिंग स्टार्ट हो चुका है, मैं समझ गया पूरा प्रोसेस कैसे हो गया। आपको एक बार बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग भी इसे आराम से ईजिली बना पाओ। लेट्स गो गाइस, तो मैं यार अपना बना रहा था इधर सॉसेजेस वगैरह, तब तक यार बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, ये देखो यार इतनी तेज़ लाइटनिंग बारिश। मैं यार इतना अच्छा अपना फार्म हाउस बना लिया, मैं रहा करता था वहाँ या फिर बार्न में, अच्छा हो यार बना लिया। अब यार यहाँ से हम लोग आराम से अपना काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करते हैं, उसके लिए आपको यार इलेक्ट्रिक ग्राइंडर ये सब चाहिए होगा। ये जो हमने बनाया ये बिना बॉयल किए, इसे यार हमें हैंग करना होता है ड्राई करने के लिए, उसके बाद हम इसे सेल कर सकते हैं, यार प्राइस बहुत अच्छी मिलेगी। ये तो बॉयल वाला है, इसका यार कुछ नहीं हो सकता, ये बस रखा रहेगा, इसे रख सकते हैं हम लोग, इसे यार हैंग नहीं करना होता। और अब हम एक और बनाते हैं, उसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। एक सबसे पहले पैन प्लेस किया, यहाँ से एक बार पॉक उठाया, इसमें प्लेस किया और ऑन कर दिया, ये सॉसेज ग्राइंडर जो ये प्रोडक्ट है अपना प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद हाँ तो इसे यहाँ से उठाया और इसमें पुट इन किया, लेट्स गो। अभी यार इसे ऑन कर दो, बस अभी ऑन हो गया। अगर इसे मैंने बॉईल किया तो बॉईल किया अगर वाटर में डाल के, तो यार फिर से ऐसा बन जाए जिसे हम हैंग नहीं कर सकते। और अगर हमें यार हैंग करना है तो इसे बस बिना बॉईल के ले जाके ऐसे हैंग कर दो, तो शायद इसका मैं दोनों का प्राइस कंपेयर करूँगा, उसके बाद वही मैक्सिमम करूँगा। एक अपना ये है, एक ये है और एक ये है, तो
यार इतने डिफरेंट टाइप्स के हैं यार, करते हैं ना इसको, करने बार काफ़ी सारा प्रॉफिट होगा अपना। फटाफट से ज़्यादा कुछ नहीं करने से प्लेस करो, यहाँ से एक उठाओ, एक यहाँ निकाला, इसमें प्लेस करा, ऑन करा। इलेक्ट्रिक वाला होने से यार काफ़ी अच्छा, तो मैनुअल वाले करते करते यार कितना टाइम जाता अपना। चलो तो ये हो गया, इसे यहाँ से उठाया, इसमें प्लेस किया और इसे भी ऑन कर दिया, बस कुछ नहीं है। और तब तक इसे यहाँ प्लेस कर दो फिर से, तब दूसरा बन के तैयार है। प्रोसेस तो काफ़ी फास्ट है यार, मैं करता हूँ ढेर सारे कलर, उसके बाद मज़ा आएगा एक बार में सेल करने चलेंगे एक बार में, काफ़ी मज़ा आएगा। ये अब तक बन चुका है, उठाओ इसे प्लेस करो, यहाँ करो, इसे ऑन करो, कितना फास्ट हो गया यार ये बताओ। और तो और ये तो चलो हो रहा है, बढ़िया है। हमें यार चीज़ भी बनाना है, हमने मिल्क काफ़ी सारा रखा था, चलते हैं यार बाद में मिल्क कलेक्ट करके आते हैं, काफ़ी दिन से मिल्क कलेक्ट नहीं करा। मुझे यार मिल्क चाहिए होगा जिससे हम चीज़ बना सकते हैं, भाग के चलते हैं, बारिश तो चलो अच्छा है रुक चुकी है, जल्दी से चलते हैं यार मिल्क लेने के लिए। ओके तो ये रहा अपना काऊ। ओके तो मैंने गेट क्लोज कर दिया फटाफट से, अब यार मिल्क कर निकालते हैं। ये देखो इसे लगाया, इसे यहाँ प्लेस करा और जल्दी से यार मिल्क निकाल लेते हैं काऊ का, और फिर चलेंगे चीज़ बनाने के लिए, चीज़ का प्रोसेस देख लेंगे कैसे होता है। ओके एक 7 यूनिट हो चुका है उसमें, इसमें निकाल देते हैं इसे। और गाइज आप लोग कमेंट्स में बताना यार क्या क्या करना चाहिए और जिससे यार हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताओ। ओके गाइज एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यार जल्दी सुन लो, 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले अपने चैनल पे, 500 सब्सक्राइबर बहुत ही अमेजिंग गेम प्ले सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो यार जल्दी से 500 सब्सक्राइबर करो और न्यू गेम प्ले सीरीज आएगी, लेट्स गो। ओके अब इसमें मिल्क हम ऐड कर सकते हैं, ओके मिल्क ऐड कर दिया इसमें, चीज़ मोल्ड इसमें डाल सकते हैं क्या, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। E2 ऐड, ओके E2 ऐड कर दिया, ओके चीज़ मोल्ड इसमें ऐड हो गया, ओके 1 यूनिट ऐड हुआ एक एक पैन में, अब इसे ऑन कर देता हूँ। E2 स्टार्ट कुकिंग, लेट्स गो, अभी कुकिंग स्टार्ट हो चुका है, कुछ तो अच्छा बनेगा। ओके तो ये कुक हो चुका है, इसे उठा लेते हैं। ये भाई अपना प्रोडक्ट बन के तैयार है, इसे ले जाके रखते हैं। ओके गाइस इधर इसका पूरा बना हुआ है, ये देखो इसे यहाँ पे रख देते हैं फिलहाल, इसका भी यार प्रोसेसिंग वगैरह मुझे लग रहा है ये सब यार तगड़ा प्रॉफिट होगा, सच बता रहा हूँ, बाकी मुझे पता नहीं है लेकिन देख के तो ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट अच्छा होने वाला है। ओके तो इसे यहाँ प्लेस करते हैं, एक उठाइए पूरे बॉक्स को बना देते हैं यार, उसके बाद चलेंगे सेल करने इंक्वायरी में, तब अपना अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ प्लेस करो, इसे ऑन करो, यहाँ रखा, न्यू पीस उठाया इसमें डाला, ऑन किया, ये देखो दो बन के तैयार है। एक उठाओ और सीधा बिना बॉईल के लगाना है, तब हम हैंग कर सकते हैं, और अगर बॉईल करना है तो उसके लिए यार फिर हम हैंग नहीं कर सकते, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा किसकी प्राइस ज़्यादा है, फिर मैक्सिमम टाइम वही करा करूँगा। लेट्स गो गाइस यार, तो मैं रात को काम करके काफ़ी ज़्यादा काम करके सो गया था, सीधा आके आपको बताता हूँ यार क्या क्या अपने पास रेडी हो चुका है। ये देखो ये सब पूरा सेटअप हमने लगाया था, यहाँ पे इतने सारे एक चीज़ मोल्ड बना के रखा है, इसका परसेंटेज अब 34 ही हुआ है अभी तक, बोला कुछ तो अच्छा बनेगा वो, ये सारे यार 90-90 पे ऑलमोस्ट है, ये तो ऐसे ही सेल होंगे। इस साइड मैंने लगा दिया काफ़ी सारे, इस साइड पे भी लगा दिया है, अब बस क्या करना है तो हमें सेल करना है, और यार काफ़ी सारे और ही प्रोडक्ट्स खरीद के लाने, यार काउस भी और लाने हैं, क्योंकि एक काउ अपना उतना प्रॉफिट नहीं करा पाएगी। तो यार आज की सारी वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नेक्स्ट वाली वीडियो में उन सबको यार ले जाके सेल करेंगे, काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा, देखेंगे यार कितनी प्राइस मिलती है वो सबकी, कितना अर्न करते हैं उससे, तो यार काफ़ी अच्छा ही रहेगा। आप लोग कमेंट्स में बताना और क्या क्या करना चाहिए हमें। तो यार आज के सारे वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई अमेजिंग वीडियो में, गुड बाय। 500 सब्सक्राइबर का टारगेट याद रखना, जल्दी कंप्लीट करो, न्यू गेम प्ले सीरीज आएगी, गुड बाय।